फरीदाबाद हुडा कॉन्वेंशन हॉल में डॉक्टर भीम अम्बेडकर की 126वीं जयंती के आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा उद्योग मंत्री विपुल गोयल, श्री राजेंद्र नाथ महाराज जी और अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा उद्योग मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश का महान आदमी बताते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा महान इंसान कोई भी नहीं था, जिनमें देश का संविधान लिखने की क्षमता थी। इसके साथ ही मंत्री विपुल गोयल ने गरीब और दलितों का समर्थन करते हुए कहा कि हाल ही में सीवर मैप 3 कर्मचारियों की मौत को लेकर मंत्री विपुल गोयल ने तीनों कर्मचारियों के परिवारों को 11-11 लाख रुपए देने का और जिन कर्मचारियों के पास नौकरी नहीं है उन्हें जल्द नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसी नारे को आगे लेकर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी पिछले 2 महीने पहले ही पूरी की पूरी 90 विधानसभाओं में अपना दौरा खत्म करके चुके हैं। चाहे किसी विधानसभा में हमारा विधायक चुना गया या नहीं चुना गया, फिर भी 90 की 90 विधानसभाओं में एक समान रूप से विकास की झड़ी लगाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की नीति को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मित्रों, आज को ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति हमारे ज़िंदगी में एक अहम रोल रखती है। जब हमारे घर के अंदर गैस सिलेंडर का रेट क्या होगा, हम नौकरी करने जाएंगे उसकी तनख्वाह क्या होगी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 126वीं जयंती उत्सव के अवसर पर आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और क्योंकि बाबा भीमराव जो है वो हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अभावग्रस्त जीवन को परवाह ना करते हुए जिस तरह उच्चतम शिखर तक पहुँचे, उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, मैं समझता हूँ कि वो भी उसको लक्ष्य को पूरा करना अभी बहुत कुछ बाकी है। आज भी हमारे समाज में हमारे इन बंधुओं के प्रति जो है उस तरह का भाव नहीं आया जैसा कि सम्मान का भाव पैदा होना चाहिए था। आज भी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो पूरे मानवता को शर्मसार करती है। तो मैं समझता हूँ बाबा भीमराव जी के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर कार्य करें, इस जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जो है संगठित और सशक्त समाज की रक्षा करें। देखिए, आज पूरा विश्व, ताकि भारत देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, उनकी 126वीं जयंती मना रहा है। तो इसलिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम वीर क्रीडल संगठन ने यहाँ पर आयोजित किया है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए। देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लोग गरीबों के साथ हमेशा रहते थे, पर यहाँ पर दलितों के साथ बार बार अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपके सामने अभी देखिए, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का देश के अंदर आप स्तंभ हैं मीडिया, आप हमारी आवाज़ कलम के सिपाहियों ऊपर तक पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल 2016 में 17 अप्रैल को लाठीचार्ज हुआ। मेरी मांगे थी मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार से कि जो स्वच्छ भारत अभियान भाषण प्रचार से पूरा नहीं होगा, वो स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ की हड्डी वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी साथी, तो स्वच्छ वातावरण और देश प्रदेश की जनता के साथ में तब न्याय होगा जब सफाई कर्मियों की नियुक्ति भर्ती यहाँ पर की जाएगी। आपने अभी देखा 3 सीवर मैनों की मृत्यु यहाँ पर होगी थी अभी 29 मार्च को इसी 2017 में। तो बिना इक्विपमेंट, बिना संसाधनों के वो कार्य कर रहे हैं। यही मेरी लड़ाई है कि उन लोगों को रोजी रोटी मिले, उन लोगों को न्याय मिले।